नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार से वीडियो में। मेरा नाम है तथास्तु और आज मैं आप लोगों को ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के 5 एडवांटेजेस और 5 डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि जो लोग ONDC के साथ अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं उनको ये वीडियो में पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि उनको किन किन चीज़ों से फ़ायदा होगा और किन किन चीज़ों से नुकसान भी हो सकता है। ONDC को लेकर अभी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं हैं, पिक्चर अभी पूरी गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर नहीं है। बहुत सारे जो है इम्प्लीमेंटेशंस चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज जो है उनके साथ जुड़ रही है। रिसेंटली स्नैपडील भी जुड़ी है, पेटीएम और बहुत सारी कंपनीज की बातचीत भी चल रही है। तो मैं आज आपको 5 एडवांटेजेस और 5 डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूँ ONDC पर, जो कि फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाली है। आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर करते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट ONDC के साथ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस से। तो सबसे पहला एडवांटेज, अगर आपकी एक नॉर्मल सी किराने की दुकान है तो अब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने वाले हैं। आपका बिजनेस भी अब ऑनलाइन हो जाएगा। आप नहीं चाहते थे कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी के साथ बिजनेस करें या अपनी खुद की वेबसाइट लिस्ट करें। आप एक ट्रेडिशनल व्यापारी थे, आप अपना बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अब आपका बिजनेस जो है ऑनलाइन होने वाला है। आप इसके माध्यम से अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला सकते हैं। दूसरा जो एडवांटेज है कि आपके जो लोकल कस्टमर्स हैं वो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स जब उनको दिखने लगेंगे तो आपको वहाँ से भी लोकल कस्टमर्स जो हैं आपके, उनकी जो रीच है, अभी तक होता था कि आप किसी मोहल्ले में हैं या आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं, लेकिन अब आपके प्रोडक्ट्स जो आजू बाजू के जो दूसरे मोहल्ले हैं, दूसरे लोकेशंस हैं, वहाँ पर भी आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो सेल है वो इंक्रीज होगा। थर्ड जो चीज़ है वो ये है गाइज कि आपकी डिलीवरी आप अपनी खुद कर पाएंगे। मतलब खुद से भी मतलब ये नहीं है, जैसे अमेज़ॉन के ऊपर सेल्फ शिप होता है। सेल्फ शिप मतलब क्या होता है कि आप किसी भी कूरियर के थ्रू प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकते हैं, लोकली भी, नेशनली भी और रीजनली भी। लेकिन अब आप क्या कर पाएंगे, अगर आपकी सिटी से आपको ऑर्डर आता है तो आप अपने ही बंदे को भेजकर वो ऑर्डर डिलीवरी करा सकते हैं। तो उसमें आपकी कॉस्ट कटिंग भी होगी। जो पैसा 40-50 रुपए भी अगर जो कुरियर कंपनीज ले रही थी, अब इतना पैसा आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा, आप खुद भी डिलीवरी करवा सकेंगे। चौथा जो बेनिफिट है, आपका जो दायरा है वो बढ़ेगा, आपका बिजनेस ग्रो होगा। आपका कंपटीशन जो है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के जो 24 आवर्स डिलीवरी वाले जो प्लान्स होते हैं, जिसमें वो कस्टमर को 24 आवर्स में प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, उससे आप कॉम्पीट करेंगे और आपको अब ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, तो आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और पांचवी चीज़, इसके माध्यम से आप ध्यान से सुनिएगा, इसके माध्यम से आप अपनी खुद की टर्म्स एंड कंडीशन भी सेट कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको लगता है कि कस्टमर यूज़ करेगा और उसको कुछ प्रॉब्लम आती है और वो आप नहीं चाहते कि वो आप रिटर्न ले, तो आप इस चीज़ में जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भी डाल पाएंगे कि ये रिटर्नेबल है या नॉन रिटर्नेबल है। तो हालांकि ये जो 5 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये 5 पॉइंट अभी तक हमको समझ में आए हैं, ये चीज़ें जो हैं इससे जो है एडवांटेज जो एक सेलर को मिलने वाला है। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स गवर्नमेंट की तरफ से छोटे जो दुकानदार है और MSMEs है, जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उनको जो है मतलब बेनिफिट देने के लिए किया गया है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनसे कॉम्पीट करने के लिए। अब बात आती है डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज उन लोगों के लिए, उन लोकल व्यापारियों के लिए, ये है कि आपको थोड़ा सा टेक फ्रेंडली होना पड़ेगा। आपको लिस्टिंग्स करनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ अपलोड करने पड़ेंगे, आपको जो है सारे डिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको टेकी होना पड़ेगा। जो दूसरा डिसएडवांटेज है, कैश ऑन डिलीवरी अगर अमेज़ॉन पे सेम प्रोडक्ट पे मिल रहा है और आप अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते हैं, तो भी कस्टमर हो सकता है उसे ही प्रीफर करें जहां कैश ऑन डिलीवरी मिल रही है। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी देंगे तो हो सकता है रिजेक्शंस हो, कस्टमर मंगाए और फिर कह दे मुझे नहीं चाहिए। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम तो इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस में रहनी ही रहनी है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वहां पर क्या है, सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स ही चलते हैं। आप कुछ भी मंगाएंगे ऑनलाइन बिजनेस में, वहाँ कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रीपेड ऑर्डर्स के भरोसे नहीं रहना है, यहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी एनेबल करना ही करना पड़ेगा। रिटर्न और रिजेक्शन के थोड़े से जो है चांसेस रहेंगे। थर्ड चीज, बायर एक्सपीरियंस अच्छा हो, इसलिए ONDC के ऊपर फीडबैक का सिस्टम आने वाला है। अगर आप थोड़ी सी भी सर्विसेज के मामले में 19-20 हुए और बायर ने
गलत रिव्यू दे दिया, गलत आपका फीडबैक दे दिया, वो फीडबैक रिफ्लेक्ट होगा आपके स्टोर के नीचे, जिस वजह से हो सकता है आपकी सेल पे असर पड़े। देखिए, एक दुकान है, दुकान के ऊपर आप अगर कोई कस्टमर आपसे सामान लेके जाता है, वहाँ पर कुछ किसी को नहीं पता होता है कि आप कैसे सेलर हैं, आप कैसे प्रोडक्ट सेल करते हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी वाइज जो अगर इसमें आते हैं आप एप्लीकेशन वाइज या ये जो, लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आपके स्टोर के नीचे आपका फीडबैक दिखेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फीडबैक अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज नहीं करें। चौथी चीज़, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से है ना क्लियरिटी नहीं आई है कि कस्टमर की जो कंप्लेंट्स होगी उसको रिजॉल्व करेगा कौन। क्या होता है, जो मार्केट प्लेसेस होते हैं, मार्केट प्लेसेस में कस्टमर और सेलर के बीच में एक मार्केट प्लेस होता है, वो इन दोनों की जो प्रॉब्लम्स को है ना वो सॉल्व करता है, सेलर की भी और कस्टमर की भी। लेकिन ONDC के बीच में कोई ऐसा माध्यम नहीं है, ठीक है ना, सेलर कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, तो इसकी प्रॉब्लम और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा, तो उसके ऊपर अभी तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है। और पांचवी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से आप एक लक्स का साबुन सेल करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ONDC पे सिर्फ आप ही लक्स का साबुन सेल करेंगे, हो सकता है उस एरिया में कोई दूसरा बंदा भी ONDC पे जो है लक्स का साबुन सेल कर रहा होगा, हो सकता है आपसे कम प्राइस में सेल कर रहा होगा, तो जिसकी प्राइस कम होगी कस्टमर उसी से परचेस करेगा, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये चीज़ को कैसे आप कोप अप करेंगे, इस चीज़ को कैसे आप मैनेज करेंगे, उसके बारे में मैं बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो देट आपको ONDC पे जुड़ने से पहले आपको जो माइक्रो इन्फॉर्मेशन हैं वो सब भी मिल जाए। ONDC से रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, साइड में आप देखिए, और आपको हेल्प मिलेगी और कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज, आपने अपना कीमती समय दिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।